कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को भले ही रफाल मामले में सुप्रीम कोर्ट से माफी मिल गई हो, लेकिन आरएसएस के खिलाफ बयान देने के मामले में वो फंस गए हैं। मुंबई की एक अदालत ने इस केस में राहुल गांधी और सीपीएम के महासचिव सीताराम येचुरी की चिंता बढ़ाते हुए उनकी याचिका को खारिज कर दिया है। तो क्या है पूरा मामला, आइए देखते हैं। अपने बयानों को लेकर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी इस कदर कानूनी पचड़ों में उलझे हैं जो खत्म होने का नाम नहीं ले रहे। एक मानहानि मामले से राहत मिलती नहीं कि दूसरा मामला मुंह बाएं खड़ा हो जाता है, जिसमें राहुल घिर जाते हैं। जी हां, आरएसएस के खिलाफ टिप्पणी करने के मुद्दे पर मुंबई की एक अदालत ने उनकी चिंता बढ़ाई है, साथ ही सीपीएम के महासचिव सीताराम येचुरी को भी परेशानी में डाल दिया है। दरअसल संघ कार्यकर्ता और वकील ध्रुतिमान जोशी ने आरएसएस पर बयान देने को लेकर सीताराम येचुरी और राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया था। इस मामले पर राहुल गांधी और सीताराम येचुरी ने याचिका दायर कर इस केस को खारिज करने की मांग की थी, लेकिन मुंबई की अदालत ने इस अपील को ठुकरा दिया। साथ ही कोर्ट ने सीताराम येचुरी और राहुल गांधी की अलग अलग याचिकाओं को संयुक्त कर दिया है। इस फैसले को दोनों नेताओं के लिए बड़ी मुसीबत माना जा रहा है। हालांकि अब ये परेशानी और बढ़ती है या कम होती है, ये 6 जनवरी को अगली सुनवाई में साफ होगा। डीवी लाइव की रिपोर्ट।